नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल वृक्काचक। मित्रों, पिछले वर्ष के समान इस वर्ष भी हम गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम आज नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। इस सीरीज में आज कुमार साई प्रीतम जी एक नया विषय लेके आए हैं जो उन्होंने अपने सर्वप्रथम गुरु से सीखा था। वो आज ये वीडियो उनको डेडिकेटेड करते हुए उस विषय की जानकारी आपको दे। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत हूँ। नमस्कार कुमार जी, आपका स्वागत है। नमस्ते सर। हमारी आज की जो टॉपिक है वो गुरु पूर्णिमा उत्सव स्पेशल टॉपिक है, जिसका नाम है अष्टोत्तरी दशा सिस्टम। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो आज रिकॉर्डिंग हो रही है, ये मैं मेरे पहले गुरु जो जो हैं उनका नाम है करुणाकर नायक जी। वो आज इस दुनिया में नहीं है, वो लास्ट ईयर ही उनका डेथ हो गया था। तो मैं जब इनिशियल फेज में जब ज्योतिषी जब इंट्रोडक्शन हुआ था मुझमें, ज़्यादा कुछ जानता नहीं था, खुद से पढ़ता था लघु पुरेश्वरी या फिर बृहत पराशर वगैरह से, तो मेरे जो डाउट निकलते थे मैं उनसे क्लियर करने जाता था जनरली। तो मैंने एक दिन देखा था कि वो जो दशा की कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि वो हैंड कैलकुलेशन करते थे, तो उसमें उन्होंने एक डिफरेंट दशा की कैलकुलेशन की थी जो कि विंशोत्तरी दशा बिल्कुल नहीं था। तो मैंने उनसे पूछा था कि ये तो दशा सिक्वेंस मैच नहीं हो रहा है, ये कौन सी दशा है? तो उन्होंने बोला था कि अष्टोत्तरी दशा है। ये बड़े सारे केसेस में आप देखेंगे कि विंशोत्तरी दशा में आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। उस केस में, कुछ स्पेशल कंडीशन में, जब अष्टोत्तरी दशा अप्लाई किया जाता है तो आपको एग्जैक्टली रिजल्ट मिल जाता है। तो आज मैं वो स्पेशल टेक्निक जो है अष्टोत्तरी दशा की विस्तृत फॉर्म में आपके सामने व्याख्या करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। ये हमारी कंटेंट है, इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, फिर दशा स्पैन एलोकेटेड टू प्लैनेट्स एज पर अष्टोत्तरी सिस्टम हम देखेंगे क्या है, फिर अष्टोत्तरी दशा के कंडीशंस क्या क्या हैं वो देखेंगे, फिर नक्षत्र की जो लॉर्डशिप है एज पर अष्टोत्तरी सिस्टम वो देखेंगे, फिर दशा बैलेंस इन अष्टोत्तरी सिस्टम देखेंगे, फिर अंतरदशा कैलकुलेशन कैसे करते हैं अष्टोत्तरी सिस्टम में उसको देखेंगे, फिर दशा एनालिसिस टेक्निक देखेंगे, दो एग्जाम्पल के साथ डिस्कशन करेंगे और फाइनली कंक्लूजन देंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये अष्टोत्तरी दशा सिस्टम है क्या? देखिए, अष्टोत्तरी दशा सिस्टम 108 साल की दशा सिस्टम है, यानी कि इंसान की परमायु जैसे कि विंशोत्तरी सिस्टम में 120 साल होती है, वैसे अष्टोत्तरी सिस्टम में 108 साल की होती है। ये कंडीशनल दशा है। ये स्पेसिफिकली तब यूज में आता है जब विंशोत्तरी दशा कोई इवेंट प्रेडिक्शन करने में पूरी तरह से विफल हो जाए और कुछ स्पेशल कंडीशन अगर लागू हो उस कुंडली में, तो अष्टोत्तरी दशा से रिजल्ट तक अच्छे से हम जा सकते हैं। तो ये जो अष्टोत्तरी दशा है, इसके जो इन्फॉर्मेशन है वो मेनली बृहत पराशर होरा शास्त्र के दशा अध्याय है, उसमें ये डिटेल में है। इसके अलावा आप अगर मानसागरी एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट बुक्स पढ़ेंगे, उसका जो फिफ्थ चैप्टर है उसमें भी अष्टोत्तरी दशा के ऊपर सविशेष तथ्य आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये इसके पहले श्लोक से, जो बृहत पराशर होरा शास्त्र के जो दशा अध्याय है उसका जो 23rd श्लोक है, और ये बृहत पराशर होरा शास्त्र में जो यहाँ पे रेफरेंस दे रहा हूँ ये गणेश दत्त पाठक जी की हिंदी की ट्रांसलेशन है। तो इसमें ये 23rd श्लोक में ये लिखा गया है, देखिए, कि सूर्यश्चंद्र कुजः सौम्यः शनिर्जीवस्तमो भृगुः एते दशाधिपः प्रोक्ता विकेतुश्च नवग्रह। तो इसके जो पहले प्लैनेट्स लिखे गए हैं, सूर्यश्चंद्र कुजः सौम्यः शनिर्जीवस्तमो भृगुः, तो ये सीरियली सन, मून, मार्स, मरकरी, सैटर्न, जुपिटर, राहु और वीनस के बारे में लिखा गया है, क्योंकि ये है अष्टोत्तरी दशा के प्लैनेट के सीक्वेंस। क्योंकि विंशोत्तरी दशा में अलग सीक्वेंस होता है, जैसे सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न होता है, मगर इसमें सन, मून, मार्स, मरकरी, सैटर्न, जुपिटर, राहु, वीनस होता है। फिर नीचे लिखा गया है एते दशा धिपा प्रोक्ता विकेतुश्च नवग्रह, कि इनमें जो नाइन, हमारा जो नाइन प्लैनेट है, इनमें से हम केतु को छोड़ के बाकी जो 8 ग्रह रह गए हैं वो अष्टोत्तरी दशा में अपनी लॉर्डशिप कैरी करते हैं। अब देखते हैं दशा स्पैन एलोकेटेड टू प्लैनेट्स। हम अगर मानसागरी टेक्स्ट बुक के फिफ्थ चैप्टर को देखें तो वहां पे एक सब चैप्टर है जिसका नाम है अष्टोत्तरी दशा नयनम। उसके पहले 2 श्लोक के हैं, देखिए, अष्टादशांश क्रियते शुमाली। इसका अर्थ है हमारा जो 108 साल है अष्टोत्तरी दशा में, उसको अगर 18 से डिवाइड करते हैं तो मिलेगा 6। वो 6 साल सूर्य को एलोकेट हुआ है। फिर लिखा गया है लभ्यंग द्विसार्धं कृतेषु
क्रियते हिमांशु, हिमांशु अर्थात चंद्रमा, हिमांश जो है। तो चंद्रमा को जो स्पैन एलोकेट किया गया है वो सूर्य के स्पैन के 2.5 गुना है, यानी कि 2.5 × 6 यानी कि 15 साल। फिर लिखा गया है त्रिभाग सूर सकलश्च भौम, यानी कि सूर्य के दशा का 1/3 को अगर हम सूर्य के दशा में ऐड कर दें तो वो निकलेगा 1/3 × 6 + 6 = 2 + 6 = 8 साल, यानी कि मंगल को अष्टोत्तरी में 8 साल मिला हुआ है। फिर लिखा गया है तस्य त्रिभाग सशशि बुधस्य, यानी कि सूर्य के 1/3 पोर्शन की दशा को अगर हम चंद्रमा के दशा स्पैन में ऐड कर दें तो बुध की दशा मिलती है, यानी कि 2 + 15 = 17 ईयर्स। फिर लिखा गया है वानोस त्रिभाग कुजयुक्त सौरी, यानी कि सूर्य के 1/3 दशा में अगर हम कुज, मतलब क्या है कुज, मतलब मंगल है, मंगल की दशा को ऐड कर दें यानी कि 2 + 8 = 10 ईयर्स जो है वो शनि की दशा स्पैन है। फिर लिखा गया है अर्धम कुजस चंद्रयुतो गुरुश्च, यानी कि मंगल की दशा स्पैन का आधा को अगर हम चंद्रमा के दशा स्पैन में ऐड कर दें यानी कि 4 + 15 = 19 ईयर्स जो निकला वह जुपिटर का दशा स्पैन है। और लास्ट श्लोक में लिखा गया है भानुर्द्विगुण्य क्रियते च राहु, भानुर्द्विगुण्य का अर्थ क्या है कि सूर्य का, सूर्य हमारा क्या भानु है, तो सूर्य का जो दशा स्पैन है उसमें अगर दुगुना कर दें यानी कि हमको 12 साल का जो मिलेगा वो है राहु का दशा स्पैन। फिर लिखा गया है हिमांशु भानु सहितोच शुक्र, यानी कि हिमांशु प्लस भानु चंद्रमा प्लस सूर्य की जो दशा एलोकेट किया गया है उसको अगर ऐड कर दें यानी कि 15 + 6 = 21 ईयर्स वो शुक्र के दशा स्पैन है अष्टोत्तरी सिस्टम में। अब देखते हैं कंडीशंस फॉर अष्टोत्तरी दशा। देखिए विंशोत्तरी दशा जो हमारी थी वो यूनिवर्सल दशा थी, उसका कोई स्पेशल कंडीशन नहीं था किसमें लग सकता है किसमें नहीं लग सकता, मगर अष्टोत्तरी दशा कंडीशनल दशा है। तो इसका जो प्राइमरी कंडीशन है देखिए, देखिए हमको पता है बृहत पराशर होरा शास्त्र के डिफरेंट डिफरेंट एडिशन, और हर डिफरेंट डिफरेंट एडिशन में उसके श्लोक जो है थोड़े बदलते हुए जाते हैं एज पर द ट्रांसलेटर। हमने यहाँ पे बड़े सारे सोर्स दिए गए हैं। देखिए पहला श्लोक जो है वो बृहत पराशर होरा शास्त्र ट्रांसलेटेड इन हिंदी बाय गणेश दत्त पाठक जी, उनमें ये लिखा गया है लग्ने सात के केंद्र कोणस्ते राहो लग्ने सितंग बिना अष्टोत्तरी दशा प्रोक्ता शिवाध्याय द्विजो सप्तम। फिर और एक सोर्स जो है बृहत पराशर होरा शास्त्र जो कि आर संथनम जी या फिर गिरीश चंद्र शर्मा जी या फिर पद्मनाभ शर्मा जी, इन लोगों ने जो ट्रांसलेशन लिखा है उनमें लिखा है लग्ने सात केंद्र कोणस्ते राहो लग्नं विनाशिते अष्टोत्तरी दशा विप्रह विज्ञेयते रुद्रबाधितः। देखिए दोनों श्लोक थोड़े से डिफर हुए मगर पहला जो लाइन है वो सिमिलर टाइप का है। अब तीसरा सोर्स लाते हैं बृहत पराशर होरा शास्त्र ट्रांसलेटेड बाय पंडित देवचंद्र झा जी, इनका जो श्लोक है वो लिखा गया है विहाय लग्नं लग्ने सत् केंद्र कोण गते त्यगो आद्र प्रवृत्ति भादष्टोत्तरी नामनी दशोदिता। तो ये जो हमने तीन श्लोक देखा डिफरेंट डिफरेंट एडिशन के बृहत पराशर में, इनका जो पहला सेंटेंस कि लग्ने सत् केंद्र कोणस्ते राहो लग्न सितंग बिना या फिर लग्ने सत् केंद्र कोणस्ते राहो लग्न बिना स्थित है या फिर विवाह लग्न लग्ने सत् केंद्र कोण गते त्यगो, ये बता रहा है कि यहाँ पे दो कंडीशन मेंशन हो रहा है। पहली बात यह है कि लग्नेश हमारा जो असेंडेंट लॉर्ड है उससे राहु केंद्रीय त्रिकोण में होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी कंडीशन ये बोल रहा है कि राहु D1 चार्ट के लग्न में ना बैठा हो, हम कोई भी भाव चलित नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, राशि चार्ट की बात चल रही है। तो ये जो दो कंडीशन है, पहला कि राहु लग्नेश के त्रिकोण में होनी चाहिए, एट द सेम टाइम वो राहु लग्न में नहीं बैठना चाहिए, ये दोनों अगर साइमल्टेनियसली यानी कि एक ही साथ फुलफिल हो रहे हैं कंडीशन तो हम अष्टोत्तरी दशा को अप्लाई कर सकते हैं एक चार्ट में। अब देखिए हमने जो प्राइमरी कंडीशंस तो पढ़े उनको अप्लाई करते हैं दो केसेस से। देखिए केस 1 और केस 2, केस 1 और केस 2 दोनों वर्गो असेंडेंट की कुंडली है। केस 1 में देखिए लग्नेश मरकरी 5th हाउस में बैठा है और लग्नेश मरकरी के त्रिकोण में राहु है, बट ये राहु लग्न में बैठा है, क्योंकि राहु लग्न में बैठा है तो यहाँ पे लग्नेश के त्रिकोण में होने के बावजूद भी हम अष्टोत्तरी दशा केस 1 में नहीं लगा सकते। अब केस 2 में देखिए ये भी कन्या लग्न की कुंडली है, लग्नेश मरकरी लग्न में ही बैठ गया है, राहु दशम भाव में बैठ गया है।
तो ये लग्न से जो राहु है वो केंद्र में बैठा है और राहु लग्न में नहीं बैठा है, इसके वजह से केस नंबर टू में हम अष्टोत्तरी दशा सिस्टम लगा सकते हैं। अब आते हैं हम कुछ स्पेशल कंडीशंस पे। देखिए अब देखते हैं बृहत पराशर होरा शास्त्र ट्रांसलेटेड बाय आर संतनम जी या फिर गिरीश चंद्र शर्मा जी या फिर पद्मनाभ शर्मा जी, इन लोगों ने जो ट्रांसलेशन की है इनमें लिखा गया है कृष्ण पक्षे दिवा जन्म शुक्ल पक्षे तथा निशि तदा हृष्ट तुरी चिंत्या फलार्थश्च विशेषतः। फिर अगर हम पंडित देवेंद्र झा के ट्रांसलेशन को देखेंगे वो उन्होंने उनमें जो श्लोक है वो लिखा गया कृष्णे दले दिने जन्म सीते नक्तं भवेद्यति अष्टोत्तरी दशा तत्र फलादेशार्थ मिरीता। तो इनमें जो पहला सेंटेंस जो हम देखेंगे पहले सेंटेंस में लिखा है कि कृष्ण पक्ष दिवा जन्म, यानी कि कृष्ण पक्ष में अगर दिन में जन्म हुआ है और शुक्ल पक्ष तथा निशि, अगर शुक्ल पक्ष के रात में जन्म हुआ है तो उस केस में हम अष्टोत्तरी दशा सिस्टम लगा सकते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, कृष्ण पक्ष के दिन में जन्म हो और शुक्ल पक्ष के रात में जन्म हो तो अष्टोत्तरी दशा एप्लीकेबल हो सकती है। मगर यहाँ पे कंट्राडिक्टरी क्या है, जो सेकंड ये दोनों श्लोक में जो सेकंड सेंटेंस है दोनों की उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। पहला श्लोक का जो सेकंड सेंटेंस है वो बता रहा है तदा हृष्टोत्तरी चिंत्या फलार्थञ्च विशेषतः, अर्थात किसी विशेष रिजल्ट को जानने के लिए ही हम अष्टोत्तरी का अप्लाई कर सकते हैं, सारे रिजल्ट के लिए नहीं कर सकते हम। मगर जो सेकंड श्लोक है उसका सेकंड सेंटेंस क्या कर रहा है कि अष्टोत्तरी दशा तत्र फला देशर्थो मेरिता, वो डायरेक्ट लिख दिए हैं कि वहां पे अष्टोत्तरी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों तो थोड़ी सी कंट्राडिक्टरी है। यहाँ पे एक नोट ये है कि ऊपर के जो बृहत पराशर के एडिशन है इनमें तो ये श्लोक दिया गया है, मगर गणेश दत्त पाठक जी के जो ट्रांसलेशन है बृहत पराशर के इसमें से कोई भी श्लोक उस वाले बुक में दिया नहीं गया है। अब देखते हैं मानसागरी को रिफर करते हैं स्पेशल कंडीशन के लिए, उसमें लिखा गया है दशा पेष्टोत्तरी शुक्ले कृष्णे विंशोत्तरी मता गणनीय दशा सुज्ञ तदु में स्वर सम्मतम। ये क्या बता रहा है कि दशा पेष्टोत्तरी शुक्ले कृष्णे विंशोत्तरी मता, यानी कि जो लोग शुक्ल पक्ष में जन्म हुए हैं उनमें अष्टोत्तरी दशा से विचार करना चाहिए। फिर कृष्ण विंशोत्तरी मता, इसका अर्थ क्या है कि जो लोग कृष्ण पक्ष में जन्म हुए हैं उनमें विंशोत्तरी में विचार करना चाहिए। इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसने सारे के सारे शुक्ल पक्ष वालों को ही अष्टोत्तरी में डाल दिया और सारे कृष्ण पक्ष वालों को विंशोत्तरी में डाल दिया, यहाँ पे दिवा रात्रि का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा। तो हमने जो पीछे से इतने सारे कंडीशंस देखे इसको विचार में लें तो हमको ये मिलता है कि जो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष वाला जो कन्फ्लिक्ट है वो द्वंद्व क्रिएट कर रहे हैं हमारे मन में। तो अगर हम देखें अष्टोत्तरी दशा एप्लीकेशन का कंडीशन क्या है तो उसका सिर्फ एक ही कंडीशन है, प्राइमरी कंडीशन जो है वो क्या है कि अगर राहु लग्न में ना हो और वो राहु लग्नेश केंद्रीय त्रिकोण में बैठा हो तभी जाके हम अष्टोत्तरी दशा सिस्टम उस चार्ट में लगा सकते हैं। यहाँ पे शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में आप कंफ्यूज कभी मत कीजिए। अब देखिए लॉर्डशिप ऑफ नक्षत्र, हम नक्षत्र की अगर बात करेंगे तो इसके जो लॉर्डशिप है तो विंशोत्तरी दशा में अलग अलग है, अष्टोत्तरी दशा में अलग अलग है। अष्टोत्तरी दशा में क्या है, देखिए बीपीएसएस ट्रांसलेटेड बाय गणेश दत्त पाठक जी के जो 26 श्लोक है दशा अध्याय का, उसमें ये लिखा गया चतुष्कंग त्रितयं तस्मात् चतुष्कंग त्रितयं पुनः यावत् स्वजन्मवं तावत् गणैश्च यथाक्रमात्। यानी कि चतुष्कंग त्रितयं का अर्थ क्या है, चार तीन चार तीन चार तीन करके नक्षत्र जो है एलोकेट किए गए हैं। हमारा सीक्वेंस का है सन मून मार्स मर्करी सैटर्न जुपिटर राहु वीनस, तो अल्टरनेटिवली चार तीन चार तीन चार तीन चार तीन करके इन ग्रहों को नक्षत्र एलोकेट कर दिए गए हैं। कैसे किए हैं नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अभी अगर हम उसके 27 श्लोक में देखें ये लिखा गया है अष्टोत्तरी द्विधा प्रोक्ता शिवादि कृतिकादिता लग्ने सग्रह शैवाद विग्रह कृतिकादिता। यहाँ पे शिवादि अर्थात आद्रादि की बात चल रही है, आद्रा नक्षत्र के बारे में चल रहा है, भगवान शिव की बात यहाँ पे नहीं चल रहा। ये लिखा गया है कि अष्टोत्तरी दशा का जो क्रमांक है नक्षत्र का, हम जो एलोकेट कर रहे हैं प्लैनेट्स को, ये दो तरह कर सकते हैं, आद्रा से और कृतिका से। फिर सेकंड सेंटेंस में लिखा है लग्ने सग्रह शैवाद विग्रह कृतिकादिता, अगर लग्न में कोई ग्रह बैठ गया है तब हम आद्रा नक्षत्र से शुरू करेंगे नक्षत्र के एलोकेशन।
वेरेज अगर हम हमारा जो लगन है वो अगर एम्प्टी हो, कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा हो, तब नक्षत्र का क्रमांक जो है कृतिका से शुरू होगा। यहाँ पे टेबल दिया है, देखिए प्लैनेट्स लिख दिया गया है पहले वाले कॉलम में, सन से लेकर वीनस तक, ब्रैकेट में उनके नंबर ऑफ नक्षत्र लिख दिए गए हैं। अगर आपके चार्ट में अष्टोत्तरी दशा लागू हो रही है और आपका लगन में अगर कोई भी ग्रह बैठा हो, राहु के अलावा कोई भी ग्रह बैठ जाए, तो जो नक्षत्र का सीक्वेंस है आर्द्रा से शुरू हो रहा है, अर्थात सूर्य का जो चार नक्षत्र एलोकेट होगा वो आर्द्रा पुनर्वसु पुष्य अश्लेषा होगा। नेक्स्ट तीन चंद्रमा का होगा जो कि मघा पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी, फिर नेक्स्ट चार हस्ता चित्र स्वाति विशाखा मंगल को, नेक्स्ट तीन जो अनुराधा ज्येष्ठा मूल मरकरी को, एंड सो ऑन। वैसा ही अगर उस चार्ट में लगन एम्प्टी हो जाए, खाली हो, तो उस केस में सूर्य को जो चार एलोकेट होंगे नक्षत्र वो कृतिका से शुरू होकर चार होंगे, यानी कि कृतिका रोहिणी मृगशिर आर्द्रा। चंद्रमा को होगे नेक्स्ट दिन क्या, पुनर्वसु पुष्य अश्लेषा। मंगल को नेक्स्ट चार क्या, मघा पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी हस्ता, एंड इसी तरह से नक्षत्र जो है हर एक प्लैनेट्स को एलोकेट हो जाएंगे एज पर द आर्द्रादि टाइप और कृतिकादि टाइप सिक्वेंस ऑफ अष्टोत्तरी दशाष्ट। अब देखते हैं लॉर्डशिप ऑफ नक्षत्र, हमारा जो पिछला स्लाइड है उसका एक कंटिन्यूशन है ये। देखिए उत्तराषाढ़ नक्षत्र की अगर हम स्पैन की बात करें वो 26 डिग्री 40 मिनट धनु से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट मकर तक है। अभिजीत नक्षत्र की अगर स्पैन की बात करें वो 6 डिग्री 40 मिनट मकर से लेकर 10 डिग्री 53 मिनट 20 सेकंड मकर तक। श्रवण नक्षत्र की अगर बात करें उसकी जो स्पैन है वो 10 डिग्री 53 मिनट 20 सेकंड मकर से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट मकर तक है। इनकी अगर हम टोटल स्पैन की बात करें तो उत्तराषाढ़ नक्षत्र की टोटल स्पैन है 10 डिग्री, अभिजीत नक्षत्र की टोटल स्पैन है 4 डिग्री 13 मिनट 20 सेकंड, और श्रवण नक्षत्र का टोटल स्पैन है 12 डिग्री 26 मिनट 40 सेकंड। इन तीनों नक्षत्र को छोड़ के बाकी जो 25 नक्षत्र रहे, क्योंकि टोटल नक्षत्र है 28, हम जिनरल जल क्या जानते हैं 27 नक्षत्र है, मगर अभिजीत नक्षत्र को ऐड कर दें तो 28 नक्षत्र है। इन 28 नक्षत्र में से इन तीनों नक्षत्र को छोड़ के बाकी बाकी जो 25 नक्षत्र रहे उनकी अगर इंडिविजुअल टोटल स्पैन को देखें वो 13 डिग्री 20 मिनट है। तो यहाँ पे आप देखिए टेबल में सेकंड कॉलम में फोकस कीजिए जहां पे लिखा है नक्षत्र ओन्ड बाय दशालर्ड्स एज पर आर्द्रादि टाइप सीक्वेंस। तो सूर्य को जो चार नक्षत्र लोकेट किया गया आर्द्रा पुनर्वसु पुष्य अश्लेषा, इंडिविजुअल की स्पैन क्या है 13 डिग्री 20 मिनट, तो उसमें 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकला 53 डिग्री 20 मिनट। इसका अर्थात यह है कि नक्षत्र मंडल का जो 360 डिग्री है उनमें से 53 डिग्री 20 मिनट स्पान का नक्षत्र जो है उसका लॉर्डशिप सूर्य को प्रदान कर दिया गया है। अभी नेक्स्ट में देखते हैं, चंद्रमा में 3 नक्षत्र है मघा पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी, इंडिविजुअल की स्पैन 13 डिग्री 20 मिनट है, ×3 कर देंगे निकला 40 डिग्री। इसका अर्थात क्या है कि 360 डिग्री का जो नक्षत्र मंडल है उनमें से 40 डिग्री का जो स्पैन है उसका लॉर्डशिप चंद्रमा कैरी करता है। वैसे मंगल कैरी करते हैं 53 डिग्री 20 मिनट, मरकरी 40 डिग्री, शनि में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। क्यों दिक्कत आ जाती है कि शनि में जो है ये 3 नक्षत्र आ जाते हैं, पहले तो पूर्वाषाढ़ आता है जिसका है 13 डिग्री 20 मिनट, फिर उत्तराषाढ़ का 10 डिग्री, अभिजीत 4 डिग्री 13 मिनट 20 सेकंड, श्रवण नक्षत्र 12 डिग्री 26 मिनट 40 सेकंड। इन सारों को ऐड कर देंगे तो ये निकलेगा 40 डिग्री का। फिर जुपिटर का आएगा वो 40 डिग्री का, 3 × 13 डिग्री 20 मिनट का, राहु का है 53 डिग्री 20 मिनट, एंड वीनस का है 40 डिग्री। तो अगर आर्द्रादि टाइप सीक्वेंस हम कंसिडर करते हैं दशा स्पान की, तो ये हर एक प्लैनेट का नक्षत्र लेवल पे कितना वो कैरी कर रहे हैं स्पैन, इसकी मेजरमेंट यहाँ पे दे दी गई है। अब यहाँ पे दिया गया है कृतिकादि टाइप सीक्वेंस कि अगर आपका लगन खाली है तो जो कृतिकादि टाइप सीक्वेंस शुरू हो रहा है नक्षत्र का वो कैसे है। देखिए सूर्य के तो 4 हैं 53 डिग्री 20 मिनट, चंद्रमा के 3 हैं 40 डिग्री, मार्स के भी 4 हैं, मरकरी के 3 है, तो इसी हिसाब से 53 40 53 40 चलता हुआ आया। जुपिटर पे पहुंचेंगे तो जुपिटर में जो 3 नक्षत्र एलोकेट किए गए हैं वो उत्तराषाढ़ अभिजीत और श्रवण नक्षत्र है। उत्तराषाढ़ 10 डिग्री, अभिजीत नक्षत्र 4 डिग्री 13 मिनट 20 सेकंड, और श्रवण नक्षत्र जो है वो 12 डिग्री 26 मिनट 40 सेकंड। इसको ऐड कर दें तो वो निकला 26 डिग्री 40 मिनट। फिर राहु है 53 डिग्री 20 मिनट, वीनस है 40 डिग्री। अब देखते हैं दशा बैलेंस इन अष्टोत्तरी सिस्टम, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे क्या है। देखिए चलिए डेट ऑफ बर्थ है 29 अगस्त 1994, टाइम है 11:51 AM, दोपहर को जन्म है ये।
लॉन्गिट्यूड दे दिया गया है, आई नाम से ट्रेडिशनल ले रहे हैं नाम से, एसेंडेंट है 8 डिग्री 3 मिनट स्कॉर्पियो, चंद्रमा 11 डिग्री 45 मिनट 29 सेकंड टॉरस यानी रोहिणी नक्षत्र में है। सबसे पहले चेकिंग करते हैं अष्टोत्तरी दशा अप्लाई हो रही है क्या। देखिए लग्नेश मंगल अष्टम में बैठा है, राहु द्वादश भाव में बैठा है, तो मंगल से त्रिकोण में राहु बैठा है तो अष्टोत्तरी दशा सिस्टम एप्लीकेबल है। कौन सी वाली है, आर्द्रादि या कृत्तिकादि, वो कैसे पता चलेगा, लगन देख के पता चलेगा। लगन खाली है, कोई प्लैनेट नहीं बैठा, तो यहाँ पे कृत्तिकादि टाइप अष्टोत्तरी दशा सिस्टम एप्लीकेबल होगा। अब कृत्तिकादि टाइप अष्टोत्तरी दशा सिस्टम में ये रोहिणी नक्षत्र, क्यों, चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में है, ये जो रोहिणी नक्षत्र है उसका स्वामी कौन है देखना पड़ेगा। अगर हम पिछले वाले स्लाइड में टेबल फॉलो करते हैं तो ये देखने मिलेगा कि कृत्तिकादि टाइप अष्टोत्तरी दशा सिस्टम में रोहिणी नक्षत्र का स्वामी सूर्य है। तो इस नेटिव की, देखिए यहाँ पे सूर्य दिखाई, कृत्तिका लिखा है ना नक्षत्र, देखिए तो इस नेटिव की जो इनिशियल दशा है वो सूर्य की दशा होगी। अब दशा बैलेंस कैलकुलेट करते हैं, क्यों दशा बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि सूर्य की दशा जो है वो कृतिका नक्षत्र का बिगिनिंग जो है 26 डिग्री 40 मिनट एरिस से लेके आद्रा नक्षत्र 20 डिग्री जेमिनी तक है, आद्रा नक्षत्र के एंड तक। ये चंद्रमा है 11 डिग्री 45 मिनट टॉरस में, क्योंकि ये बीच में कहीं पे लाए कर रहा है, तो ये जो नेटिव है सूर्य का पूरा दशाकाल भोग नहीं कर सकता, वो सिर्फ रिमेनिंग दशाकाल भोग कर सकता है। सबसे पहले देखेंगे कि सूर्य का जो पहला नक्षत्र है कृतिका नक्षत्र, यहाँ से शुरू हो रहा है 26 डिग्री 40 मिनट कृतिका से, हमारा चंद्रमा जिस पोजिशनिंग में है जन्म के वक्त 11 डिग्री 45 मिनट 29 सेकंड टॉरस तक, वहां तक की स्पैन कितना है, कैसे निकालेंगे कि 11 डिग्री 45 मिनट 29 सेकंड टॉरस से 26 डिग्री 40 मिनट एरिस को माइनस कर देंगे, वो जो लॉन्गिट्यूड निकला वो निकलेगा 15 डिग्री 5 मिनट 29 सेकंड। अब सूर्य का जो टोटल नक्षत्र स्पैन है हमने जो टेबल में देखा था वो था 53 डिग्री 20 मिनट यानी कि 3200 मिनट। अब हम क्या करेंगे, 53 डिग्री 20 मिनट से ये 15 डिग्री 5 मिनट 29 सेकंड घटा देंगे, अगर इसको घटा देंगे तो वो मिलेगा 38 डिग्री 14 मिनट 31 सेकंड यानी कि 2294.516 मिनट। इसका अर्थ क्या है कि दिस इज द रिमेनिंग स्पान ऑफ सूर्य इन द नक्षत्र लॉर्डशिप, यानी कि उसका जो 53 डिग्री 20 मिनट के स्पैन में से ये जो व्यक्ति है सिर्फ 38 डिग्री 14 मिनट 31 सेकंड भोग कर सकते हैं, बाकी के पिछले का वो भोग नहीं कर सकते। अब हमको क्या पता है, सूर्य को टोटल अष्टोत्तरी सिस्टम में 6 साल का दशा स्पैन एलोकेट कर दिया गया है। अब अगर हम इसके टोटल दशा स्पैन को, टोटल इसके जो नक्षत्र में जो लॉन्गिट्यूड कैरी कर रहा है इसको अगर इक्वेट कराएंगे तो क्या निकलेगा, 53 डिग्री 20 मिनट इक्वल टू 6 ईयर्स यानी कि 3200 मिनट इक्वल टू 6 ईयर, 1 मिनट इक्वल टू 6/3200 निकलेगा 0.00185 ईयर्स, 2294.516 मिनट्स जो रिमेनिंग स्पैन है वो क्या होगा, 0.00185 × 2294.516 यानी कि 4.3 ईयर्स यानी कि 4 साल 3 महीने 15 दिन। अर्थात सूर्य अगर जब ये नेटिव जब जन्म हुए होंगे 11 डिग्री 45 मिनट 29 सेकंड टॉरस लेके इस कुंडली में, तो ये सूर्य के 6 साल में से सिर्फ 4.3 ईयर ही भोग कर सकते हैं। तो देखिए ये 29 अगस्त 1994 से 14 दिसंबर 1998 तक सूर्य की दशा भोग करेंगे, फिर नेक्स्ट 15 साल यानी कि 14 दिसंबर 1998 से 14 दिसंबर 2013 तक चंद्रमा का रहेगा, नेक्स्ट 8 ईयर मंगल का, नेक्स्ट 17 ईयर मरकरी का, एंड सो ऑन। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, डेट ऑफ बर्थ है 24 अक्टूबर 1994, टाइम है दोपहर के 2:20, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दे दिया गया है, ट्रेडिशनल एरिया नाम से, एसेंडेंट है 10 डिग्री 44 मिनट एक्वेरियस, चंद्रमा जन्म के वक्त 29 डिग्री 32 मिनट 22 सेकंड टॉरस यानी कि मृगशिर नक्षत्र। सबसे पहले चेकिंग करते हैं अष्टोत्तरी दशा की कंडीशन क्या है। देखिए लग्नेश शनि लग्न में ही बैठा है, नवम भाव में राहु बैठा है यानी कि लग्नेश से त्रिकोण में राहु है, तो अष्टोत्तरी दशा सिस्टम यहाँ पे लग सकती है। क्योंकि इनका लग्न ऑक्यूपाइड है तो यहाँ पे आद्रादि टाइप का अष्टोत्तरी दशा सिस्टम लगेगा। अगर हम टेबल को फॉलो करते हैं आद्रादि टाइप नक्षत्र दशा सिस्टम का, तो ये जो मृगशिर नक्षत्र है वो
वीनस के लॉर्डशिप के अंदर आता है। चूंकि वीनस के लॉर्डशिप के अंदर आता है इनका चंद्रमा का जन्म नक्षत्र, तो ये जब जन्म होते हैं तो इनका जो इनिशियल दशा होगा वो शुक्र का दशा होगा। बट हम क्या जानते हैं, एच पर आद्रादी टाइप नक्षत्र सेक्वेंस, शुक्र की जो स्पैन है वो 26 डिग्री 40 मिनट एरिस से शुरू होकर 6 डिग्री 40 मिनट जमीने तक है, मगर ये जो जन्म हुए 29 डिग्री 32 मिनट 22 सेकंड टॉरस में हुए, तो ये पूरा 40 डिग्री स्पैन जो शुक्र का है वो भोग नहीं कर पाएंगे। कितना भोग करेंगे? देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि 26 डिग्री 40 मिनट एरिस कृति का, यानी कि शुक्र का जो इनिशियल जहां से शुरू हो रहा है उसका नक्षत्र स्पैन, उसमें से चंद्रमा का जो पोजिशनिंग है उसकी डिस्टेंस कितना है, नक्षत्र का पोजिशनिंग है, इसके लिए चंद्रमा के नक्षत्र पोजिशनिंग यानी कि 29 डिग्री 32 मिनट 22 सेकंड टॉरस से हम 26 डिग्री 40 मिनट एरिस को माइनस कर देंगे। जब माइनस कर देंगे हमारा निकलेगा 32 डिग्री 52 मिनट 22 सेकंड। अब हम जानते हैं वीनस का जो टोटल स्पैन है नक्षत्र लेवल पे वो क्या है, 40 डिग्री। एज पर हमारा जो आद्रादी सिस्टम है तो 40 × 60 कर देंगे तो निकलेगा 2400 मिनट। 40 डिग्री में से 32 डिग्री 52 मिनट 22 सेकंड वो भोग नहीं कर सकता क्योंकि चंद्रमा ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है जन्म के वक्त। अब रिमेनिंग कितना रहा, तो 40 डिग्री माइनस 32 डिग्री 52 मिनट 22 सेकंड वो निकलेगा 7 डिग्री 7 मिनट 38 सेकंड, यानी कि 427.63 मिनट्स। कि शुक्र को अष्टोत्तरी सिस्टम में टोटल 21 साल एलोकेट किया गया है। अगर हम अभी 21 साल को 40 डिग्री यानी कि टोटल स्पैन के साथ अगर हम इक्वेट कराते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, 40 डिग्री इक्वल टू 21 साल, अर्थात 2400 मिनट इक्वल टू 21 ईयर्स, 1 मिनट इक्वल टू 21/2400 यानी कि 0.00875 ईयर्स। अभी हमारा रिमेनिंग स्पैन कितना निकला, 427.63 मिनट्स, इक्वल टू क्या होगा, 0.00875 × 427.63 यानी कि 3.74 ईयर्स, यानी कि आउट ऑफ 21 ईयर्स अब वीनस महादशा दिस नेटिव ये जो इंसान है जातक है वो सिर्फ 3 साल 8 महीने 26 दिन एज ए प्रथम दशा वो भोग कर सकते हैं, यानी कि 24 अक्टूबर 1994 से लेके 20 जुलाई 1998 तक शुक्र का दशा रहेगा। फिर नेक्स्ट 6 साल यानी कि 20 जुलाई 1998 से 20 जुलाई 2004 तक सूर्य का दशा, नेक्स्ट 15 साल चंद्रमा का दशा, नेक्स्ट 8 साल मार्स का दशा, ऐसे ही इनका दशा सीक्वेंस चलता जाएगा। अब देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ अंतरदशा। मानसागरी का जो 5th चैप्टर है इसमें क्या लिखा गया है, दशा दशा हता कार्या नवविर्भागम आहरत ये लब्धं तद्वे नमा सस्त्रिं स दुर्गुणितं दिनम। ये जो नीचे वाला जो सेंटेंस है, ये लब्धं तद्वे नमा सस्त्रिं स दुर्गुणितं दिनम, ये थोड़ा सा इंटरप्रेट करना मुश्किल है। ठीक है तो मैं आपको सरल लैंग्वेज में समझा दे रहा हूँ। ऊपर क्या लिखा गया है, ऊपर का जो दशा दशा हता कार्य नवविर्भागम महारत जो लिखा गया है, यानी कि हमारा जो महादशा है और जो अंतरदशा है इन दोनों स्वामियों को जो दशा स्पैन दिया गया है उसको मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड कर देंगे, हमको एक रिजल्ट जिसको बोलते हैं क्वोशेंट वो मिलेगा और एक रिमाइंडर मिलेगा। क्वोशेंट है नंबर ऑफ मंथ्स, रिमाइंडर को अगर हम पकड़ के उसको 30 से मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिलेगा नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ पे एग्जाम्पल पे देखते हैं, सपोज हमको मरकरी की महादशा में राहु की अंतरदशा का स्पैन कैलकुलेट करना है, कितना टाइम वो रहेगा। हम क्या करेंगे, मरकरी को अष्टोत्तरी में कितना ईयर एलोकेट किया गया है, 17, राहु को किया गया 12, तो 17 × 12 कर देंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे, निकलेगा जो क्वेश्चन निकले जो रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा 22, रिमाइंडर निकलेगा 6, यानी कि 22 मंथ एंड 6। ये जो 6 है इसको अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिलेगा 20 दिन, यानी कि मरकरी की महादशा में अगर राहु की अंतरदशा आती है इन अष्टोत्तरी सिस्टम वो 22 महीने 20 दिन यानी कि 1 साल 10 महीने और 20 दिन तक रहेगा। अब आती है दशा एनालिसिस टेक्निक। सबसे पहले महादशा की बात करते हैं, तो महादशा स्वामी की सबसे पहले कारक तत्व तो एक्टिवेट हो जाएगी। सपोज किसी की मंगल की महादशा चल रही है तो मंगल के खुद के कारक तत्व तो अष्टोत्तरी में सबसे पहले एक्टिवेट होगा, फिर वो जिस राशि में बैठा है उस राशि के कारक तत्व तो एक्टिवेट होगा, फिर वो जिस भाव में बैठा है और जिस भावों के स्वामी है D1 चार्ट में उनके भी कारक तत्व तो यहाँ पे एक्टिवेट होगा एज ए महादशा लॉर्ड।
अंतरदशा स्वामी की अगर बात करें तो सबसे पहले हमको क्या करना है, महादशा स्वामी जिस राशि में बैठा है उस राशि को रोटेट करके हम लगन बना देंगे तो दशा लगन की फॉर्मेशन हो गई। उस दशा लगन चार्ट में अंतरदशा स्वामी किस भाव में बैठा है और उस दशा लगन चार्ट में वो किस भाव के स्वामित्व तो कैरी करता है, उनका रिजल्ट हमको अंतरदशा में मिलेगा। यहाँ पे नोट एक ये है कि यहाँ पे किसी भी तरह का भाव चलित का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ एसेंडेंट चार्ट का ही हमको प्रयोग होगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो अयनाम्स हम यूज करेंगे, लहरी अयनाम्स यूज करेंगे या फिर मैक्स टू मैक्स केपी तक जा सकते हैं, दूसरा रमन या फिर पुष्य पक्ष वगैरह हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल नंबर वन, हमने जो दशा बैलेंस में दो एग्जाम्पल लिए थे उन्हीं दो एग्जाम्पल ही यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल नंबर वन जो 29 अगस्त 1994 का है, जन्म के वक्त चंद्रमा टॉरस साइन 11 डिग्री 45 मिनट 29 सेकंड यानी कि रोहिणी नक्षत्र में था। अब इनकी जो अष्टोत्तरी दशा टाइप है वो कृतिकादि टाइप है क्योंकि इनका जो लग्न है वो एम्प्टी है और लग्न से राहु त्रिकोण में है। तो इनका इवेंट क्या हुआ, ये एक गुड एंड कंफर्टेबल गवर्नमेंट जॉब इनको 2022 में मरकरी की महादशा और मरकरी की अंतरदशा एज पर कृतिकादि टाइप अष्टोत्तरी दशा सिस्टम में इनकी सिलेक्शन हुई थी। तो सबसे पहले हमारा चार चार्ट यहाँ पे दे दिया गया है। पहला दो दो जो चार्ट है वो अष्टोत्तरी सिस्टम के चार्ट हिसाब से दशा कैलकुलेशन की गई है, लास्ट के दो चार्ट हैं वो विषुवत्तरी सिस्टम के हिसाब से राहु के वीनस के पीरियड में इनका हुआ था। तो हम कंपेयर करेंगे रिजल्ट दोनों में क्या क्या निकला। अगर अष्टोत्तरी सिस्टम की बात करें, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गुड एंड कंफर्टेबल जॉब, गुड एंड कंफर्टेबल गवर्नमेंट जॉब, तो हमको क्या देखना चाहिए, 10th हाउस को सबसे पहले देखना पड़ेगा। देखिए D1 चार्ट में, पहले चार्ट में देखिए 10th हाउस का स्वामी कौन है, सूर्य। बैठा है कहाँ पे, वही 10th हाउस में बैठा है, 11th लॉर्ड के साथ बैठा है। तो इसका 10th हाउस जो है अच्छा स्ट्रांग है क्योंकि उसका लॉर्ड स्ट्रांग है, इसलिए गुड एंड कंफर्टेबल गवर्नमेंट जॉब मिली। मरकरी की दशा में क्यों मिली, देखिए हम मरकरी यहाँ पे 10वें भाव में बैठा है, सिंह राशि में बैठा है। मैंने क्या बोला था, सबसे पहले राशि एक्टिवेट होगा, सिंह राशि जो गवर्नमेंट का कारक है, 10वें भाव में बैठा है, गवर्नमेंट का कारक है। 8th और 11th लॉर्ड, 11th हाउस क्या दिखा रहा है, सक्सेस इन एनी टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन, तो इनका दशा इनको ये दिखा दिया। अब अंतरदशा की बात आते हैं, सेकंड चार्ट में देखिए दशा लगन चार्ट जो है, क्योंकि मरकरी की महादशा में मरकरी की अंतरदशा में हुआ है तो दशा लगन चार्ट अगर हम लियो साइन को रोटेट करके लगन बना देंगे तो दशा लगन बन गई। इस दशा लगन चार्ट में मरकरी जो है अंतरदशा स्वामी वो 2nd और 11th लॉर्ड है, धन भाव और लाभ भाव का स्वामी। तो हमको अष्टोत्तरी दशा में कृतिकादि टाइप की क्लियर कट दिख रहा है। अब विंशोत्तरी पे आते हैं, देखिए यहाँ पे लास्ट के दो चार्ट दिए हुए हैं, इनकी राहु की महादशा और वीनस के अंतरदशा में ये हुई थी सिलेक्शन। अब राहु इनके चार्ट में जो है 12th हाउस में बैठ गया, D1 चार्ट गड़बड़ वाले हाउस है, जुपिटर के साथ बैठा है, जुपिटर यहाँ पे 2nd और 5th लॉर्ड है। देखिए कोई भी अगर गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करनी होती है आपको कंपटीशन के थ्रू जानी पड़ती है, उसके बाद आपकी सिलेक्शन होती है, तो हमेशा 6th, 10th या फिर 11th हाउस आपकी एक्टिवेट होनी चाहिए ड्यूरिंग द सिलेक्शन। अगर ये 3 एक्टिवेट नहीं है तो गड़बड़ हो जाती है। देखिए महादशा में 6, 10, 11 में से कोई भी एक्टिवेट नहीं हुआ है, ये आपको दिख रहा है। अभी हम दशा लगन पे आते हैं, शुक्र के अंतरदशा इस पर विषुवत्तरी सिस्टम में हुआ है, तो हम अभी क्या करेंगे, राहु लिब्रा साइन में बैठा है तो लिब्रा साइन को असेंडेंट बना देंगे, तो शुक्र क्या होगा वो 12th हाउस में चला गया, बिंग लग्नेश अष्टमेश होकर वो 12th हाउस में चला गया। तो ये विषुवत्तरी दशा क्या बता रहा है कि इनका किसी में भी कुछ भी नहीं होना चाहिए, इनको तो हॉस्पिटलाइजेशन हो जाना चाहिए, बट इनका क्या हुआ, गुड एंड कंफर्टेबल गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गई। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि कृतिकादि टाइप अष्टोत्तरी दशा सिस्टम में इनके केस में क्लियर कटली दिख रहा है गवर्नमेंट जॉब, वेदर विषुवत्तरी सिस्टम में इनका कुछ अलग ही हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह दिखा रहा है इस पीरियड में। अब यह है एग्जाम्पल नंबर टू, वही हमारा जो दशा बैलेंस का सेकंड एग्जाम्पल है 24 अक्टूबर 1994 वाला। तो इनका जो अष्टोत्तरी दशा टाइप है वो आर्द्रादि टाइप है क्योंकि इनका लग्न एक प्लैनेट से ऑक्यूपाइड है और लग्न शनि राहु के त्रिकोण में। इनका भी 2022 में सेम एग्जाम में सिलेक्शन हुआ था गवर्नमेंट जॉब में, मगर इनकी जो पोस्टिंग थी वो स्ट्रेसफुल जॉब थी, उनकी पोस्टिंग एक बढ़िया जॉब हुई जो पिछला वाला चार्ट है, इनका एक प्रॉब्लमेटिक जॉब पे हो गया, बड़े सारे ट्रांसफर वगैरह हो गए विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ सर्विस। देखिए ये जो हुआ था वो अष्टोत्तरी आद्रादी टाइप अष्टोत्तरी दशा सिस्टम में मंगल के महादशा और जुपिटर के अंतरदशा में हुआ था।
और विंशोत्तरी सिस्टम में वो जुपिटर और मरकरी में हुआ था। सबसे पहले देखते हैं इसके चार्ट की स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि स्ट्रेसफुल गवर्नमेंट जॉब है। तो देखिए, 10th लॉर्ड मार्स 6th हाउस में डेबिलिटेटेड है, शनि रेट्रो शनि की 10वीं दृष्टि 10th हाउस पे जा रही है। तो इस चार्ट में 10th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठना इज अ वेरी गुड थिंग, बट डेबिलिटेटेड हो जाना 10th लॉर्ड और शनि की दशम दृष्टि वही 10th हाउस में आ जाना, वो क्या कर रहा है, 10th हाउस को बिगाड़ रहा है। इस चार्ट में सूर्य भी देखिए गवर्नमेंट का कारक डेबिलिटेटेड है, तो इनको अगर गवर्नमेंट जॉब मिल भी जाएगा वो ज्यादा लाभ नहीं उठा सकते, क्योंकि बड़ा सारे ऑब्स्टेकल को फेस करेंगे, पहली बात। दूसरी बात है उनकी सिलेक्शन की बात देखते हैं। अष्टोत्तरी सिस्टम में उनकी मंगल की महादशा और जुपिटर के अंतर्दशा में हुआ था। मंगल की बात अभी चल रही थी। मंगल देखिए बिंग थर्ड एंड 10th लॉर्ड 6th भाव में बैठा है, छठा भाव कंपटीशन विनिंग, दसवां भाव गवर्नमेंट, तृतीय भाव इंटरव्यू में अच्छा। महादशा ने लोकेट इनको अच्छे से दिखा दिया क्या हो रहा है सिलेक्शन का। अंतरदशा की बात आते हैं। अंतरदशा जुपिटर के अंतरदशा में हुआ था। अगर हम मंगल कर्क राशि में बैठा है ना, कर्क राशि को रोटेट करके दशा लग्न बना दे, तो जुपिटर बिंग 6th एंड 9th लॉर्ड 4th हाउस में बैठा है। देखिए अंतरदशा 6th हाउस एक्टिवेट कर रहा है, कंपटीशन में सक्सेस तो दे दिया, मगर 9th हाउस जो है 10th हाउस से 12th में आता है, चौथा भाव 10th हाउस से 7th में आता है, यानी कि दोनों के दोनों 10th हाउस के लिए एक तरह का मारक है, यानी कि प्रोफेशन का मारक है। वो क्या करेंगे, प्रोफेशन में बदलाव ला देंगे, स्टेबल नहीं होने देंगे। तो ये सिलेक्शन होने के बाद भी एक स्ट्रेसफुल गवर्नमेंट जॉब में गए। वहीं पर अगर हम विषोत्तरी दशा की बात करते हैं, देखिए इनकी जो सिलेक्शन हुई थी जुपिटर की महादशा और मरकरी की अंतरदशा में हुई थी। विंशोत्तरी के हिसाब से देखिए, विंशोत्तरी दशा के हिसाब से देखिए, जुपिटर बिंग 2nd एंड 11th लॉर्ड 9th हाउस में बैठा है, तो जुपिटर इनको परमिशन दे रहा था। अंतरदशा की अगर बात करें तो जुपिटर तो इनकी तुला राशि में बैठा है, अब तुला राशि को हमने लग्न बना दिया, दशा लग्न बन गई। मरकरी यहाँ पे लग्न पे बैठा है, बिंग 9th एंड 12th लॉर्ड लग्न में बैठा है। यहाँ पे इनकी हायर स्टडी दिखा रही थी, ये गवर्नमेंट जॉब तो किसी और से नहीं दिखा रही थी, फिर लगी कैसे? इट इज सिंपली ड्यू टू द अष्टोत्तरी दशा सिस्टम्स, मार्स महादशा एंड जुपिटर अंतरदशा। यहाँ पे हमने क्या सीखा कि कभी कभी हमारे साथ ऐसे सिचुएशन हो जाते हैं कि हम विंशोत्तरी दशा में रिजल्ट नहीं ला पाते, जबरदस्ती जोड़ते रहते हैं। उस केस में अगर हमको अष्टोत्तरी दशा का कंडीशन वहां पे दिख रहा है, तो हमको फटाक से अष्टोत्तरी दशा में शिफ्ट होके अपने प्रेडिक्शन की जो मेथड है उसको चेंज करना पड़ेगा, ताकि हम एक्यूरेटली दशा प्रेडिक्शन कर सके। तो आते हैं हम कंक्लूजन पे। देखिए काफी लंबी टॉपिक थी। सबसे पहले देखते हैं अष्टोत्तरी दशा सिस्टम एक नक्षत्र बेस्ड दशा सिस्टम है, यानी कि चंद्रमा जन्म होते वक्त जिस नक्षत्र में होता है, इस नक्षत्र स्वामी से अष्टोत्तरी दशा सिस्टम शुरू होती है, और ये ह्यूमन की मैक्सिमम लाइफ स्पेन अप टू 108 साल तक लेता है। फिर इसका जो प्राइमरी एंड सफिशियंट कंडीशन है वो क्या है कि अष्टोत्तरी दशा सिस्टम को अप्लाई करने के लिए आपके चार्ट में सबसे पहली बात राहु लग्न में नहीं होनी चाहिए, एंड एट द सेम टाइम लग्नेश त्रिकोण में राहु बैठना चाहिए। ये दोनों अगर कंडीशन एक ही साथ लग रहे हैं आपके चार्ट में, तो आपके चार्ट में अष्टोत्तरी दशा सिस्टम लग सकता है। फिर यह है कि अष्टोत्तरी दशा सिस्टम में नक्षत्र का जो लॉर्डशिप प्लैनेट्स को दे दिया गया है वो विंशोत्तरी सिस्टम से डिफरेंट है। अष्टोत्तरी दशा सिस्टम में जो नक्षत्र सिक्वेंस है वो दो तरह का एलोकेट होता है, एक है आर्द्रादि टाइप, एक है कृतिकादि टाइप। अगर आपके लग्न में कोई ग्रह बैठ गया हो तो आर्द्रादि टाइप सिक्वेंस फॉलो होता है, अगर आपका लगन एम्प्टी हो तो कृतिकादि टाइप सीक्वेंस फॉलो होता है। फिर क्या है कि हमने जो सेकंड स्लाइड में पढ़ा था कि महादशा का सीक्वेंस जो रहता है वो है सन मून मार्स मरकरी सैटर्न जुपिटर राहु एंड वीनस, इनमें से सूर्य को 6 साल, मून 15 साल, मंगल 8 साल, बुध 17 साल, शनि 10 साल, बृहस्पति 19 साल, राहु 12 साल और वीनस को 21 साल की दशा स्पैन अष्टोत्तरी में प्रदान किया गया है। केतु को दशा स्पैन में कोई भी ईयर एलोकेट नहीं हुआ है। जब हम महादशा अंतरदशा के एनालिसिस की बात आते हैं, तो महादशा एनालिसिस करने के लिए हमको सबसे पहले देखना पड़ता है कि महादशा स्वामी किस राशि में किस भाव में बैठा है, उसके कारक तत्व, उसके खुद के कारक तत्व, तो प्लस भावज वो जो जिस भाव का वो स्वामी है D1 चार्ट में, उसका वो एक्टिवेट करता है इन महादशा। अंतरदशा को एनालिसिस करने के लिए हमको दशा लग्न चार्ट की सहायता पड़ती है, जो कि हमने पिछले दोनों एग्जाम्पल में अच्छे से देख लिया है। और फाइनली में आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर 99% एस्ट्रोलॉजिकल सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, चाहे वो कोई भी सॉफ्टवेयर हो, तो वो
सिर्फ आर्द्रादि टाइप अष्टोत्तरी दशा सिस्टम का कैलकुलेशन देता है, इंक्लूडिंग जगन्नाथ होगा। कृतिकादि टाइप अष्टोत्तरी दशा सिस्टम का कैलकुलेशन बहुत ही कोई रेयर सॉफ्टवेयर देता होगा, मैक्सिमम नहीं देते हैं। तो जब कभी भी आपको विंशोत्तरी दशा में रिजल्ट ना मिले, आप अष्टोत्तरी दशा में रिजल्ट निकालने जा रहे हैं और देख रहे हैं कि लगन एम्प्टी है, तो आप वो जो दशा बैलेंस पे मैंने हैंड कैलकुलेशन में आपको कृतिकादि टाइप का जो सीक्वेंस बताया था उसको अगर आप यूज करते हैं, तो कृतिकादि टाइप अष्टोत्तरी दशा से उस पर्टिकुलर चार्ट का एनालिसिस करके आप बेटर रिजल्ट निकाल सकते हैं। अद्भुत, बहुत बहुत बढ़िया। मतलब मैं जितनी बारी आपके वीडियोस की रिकॉर्डिंग करने बैठता हूँ, मैं शब्दों का अभाव हो जाता है कि क्या बोलूँ। बहुत बढ़िया कुमार, एक एक्सेप्शनली गुड एस्ट्रोलॉजर और एक एक्सेप्शनली गुड स्टूडेंट भी हैं, और एक एक्सेप्शनली गुड, आज की डेट में आप देख सकते हैं उनके वीडियोज से, कि वेरी गुड टीचर ऑल्सो। ये जितनी भी इनके नए वीडियोस आए, इसमें से कोई टॉपिक मैं अपनी क्लासेस में नहीं लेता हूँ, इन्होंने अपनी मेहनत से इनको डेवलप किया है। तो हैट्स ऑफ टू यू, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत योग्यता रखते हैं, बहुत अच्छे एक एस्ट्रोलॉजर हैं, और ये रिसर्च बेस्ड काम करने वाले लोग। उनका मोबाइल नंबर यहाँ दिया हुआ है और ईमेल एड्रेस है। आपको कोई काम है, आप इनको व्हाट्सएप करें, मैसेज डालें या ईमेल करें, जैसे ही व्यस्तता के बाद जब समय मिलेगा ये आपको उसका रिस्पांस देंगे। इसी के साथ एक बहुत बहुत शानदार वीडियो के लिए हृदय से धन्यवाद, और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो जिज्ञासु और स्टूडेंट वर्ग के लिए बहुत ही बढ़िया है और लाभान्वित होंगे ही। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।